डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको आलेख विधि वाला बताऊंगा, ठीक है। आलेख विधि से ये एक लाइन खींचनी है, रैखिक समीकरण को हल करना है, ठीक है। दो चर वाला है, तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर एक का फर्स्ट है, ये है एक्स प्लस वाई बराबर चार है, ये समीकरण है। अब इस समीकरण से हमें एक लाइन बनानी है। अभी टेंथ क्लास में ये छः नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें दो लाइन होती हैं, दो समीकरण होते हैं, और दोनों समीकरण से जो दोनों रेखाएं जहां कट करती हैं वो उसका मान होता है। इसमें एक ही लाइन है, एक ही समीकरण है, तो इससे एक लाइन खींचेगी बस, ठीक है। तो कैसे खींचेगी लाइन बता रहा हूँ। तो ये समीकरण एक है ना, इसमें आप कुछ भी रखते रहो, या आप ऐसे कर लो, x का मान निकालना है आपको कि y का, तो y का मान रखोगे तो यहाँ है ना, ये इसको y को उधर ले जाओ। तो जैसे हमारे पास ये है और हम y को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा x बराबर चार, और y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अब ये कंडीशन आई, अब इसमें आप y की मान बदल बदल के रखते रहो। तो हमने पहले y बराबर जीरो रखा यहाँ पे, तो x बराबर आएगा चार माइनस जीरो, ये जीरो रखा यहाँ पे तो चार आया, ठीक है। अब y बराबर हम एक रख रहे हैं, तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा चार, और y की जगह यहाँ पे एक, तो तीन आया। अब एक और मान लगा दो आप ज़्यादा से ज़्यादा, चलो एक और लगा देती हैं, y बराबर दो लगा दो। इसमें y बराबर दो लगाएंगे तो x बराबर आएगा चार माइनस यहाँ पे दो, तो चार में से दो गए तो दो बचे, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या है, x चार y जीरो, तो चार जीरो ये वाला, और ये x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, तो ये आएगा तीन एक, और तीसरा दो दो, ये बिंदु आए। अब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे, और इन तीनों को मिलाते हुए लाइन खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे लाइन, ध्यान दो, जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, हमने बताया था आपको x अक्ष की ये धन साइड है, और x अक्ष की ये ऋण साइड है, और यहाँ से मूल बिंदु ये जीरो जीरो है, और यहाँ से इधर साइड में ये प्लस है, और ये नीचे की साइड में माइनस है, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था। अब यहाँ से देखो, ये जो मूल बिंदु होता है यहाँ से गिनते हैं, धन के गिनेंगे इधर साइड x के, ऋण के x के इधर साइड गिनेंगे, y के धन के इधर गिनेंगे, और y के ऋण के इधर गिनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास चार जीरो है, x पे चार धन साइड में इधर है, तो एक दो तीन चार, और y पे जीरो, भाई पे क्या जीरो, तो जीरो तो जीरो होता है, उसको कहीं नहीं गिनते हैं, तो ये आएगा, ये आया चार जीरो, ठीक है, फर्स्ट बिंदु। सेकंड देखो, तीन एक, एक्स पे तीन ये, और भाई पे एक इधर, तो इसके सामने और इसके सामने ये आएगा बेटा तीन और एक, ठीक है। अब इसके बाद दो दो, x पे दो ये और y पे दो ये, तो इसके सामने और इसके सामने ये आया दो दो। अब इन तीनों लाइन बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींचनी है, ठीक है। तीनों बिंदुओं को मिला के लाइन खींचनी है, इधर भी बढ़ा दो थोड़ी सी पैमाने से, इधर भी बढ़ा दो, तो ये है ना इस रेखा की लाइन है, ये रैखिक समीकरण है x y वाला, तो इस रेखा की लाइन ये वाली है, ये वाली, ठीक है, ये जिस पे तीन बिंदु दे रखे हैं, एक ये है, एक ये है, एक तो ये वाला, ये वाला, और यहाँ पे चार जीरो, ठीक है, ऐसे बनाना है ये। तो ये आगे जो क्वेश्चन है इसके चारों के चारों क्वेश्चन है ना, वो ऐसे करने हैं। चलो एक और बता दे रहा हूँ इसमें, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर वन का एक क्वेश्चन और देख लो, और दो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे।
तो इसमें फर्स्ट और सेकंड तो एक जैसे ही है, थर्ड वाला बता रहा हूं वाई बराबर 3x, वाई बराबर 3x ये, ठीक है। इसकी लाइन खींचो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हमने वाई एक्स बराबर 0 लगाया है, यहाँ यहाँ पे इसमें लगा रहे हैं, तो वाई का मान क्या आएगा, 3, और एक्स की जगह 0, तो 0 आएगा, क्योंकि 0 का किसी में भी गुणा करें 0 आता है। अब वो एक्स बराबर 1 रखो, यहाँ पे 1 रखा, तो वाई का मान आएगा 3 गुणा 1, ये 1, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब एक्स बराबर 2 और रख लो, तो यहाँ 2 रखेंगे तो वाई बराबर आएगा 3 गुणा 2, तो ये 6 आया। तो ये इसके बिंदु आए, कौन कौन से आए, एक्स 0, वाई 0। एक्स को आप पहले लिखते हैं, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, यहाँ पे वाई लिखते हैं, तो एक्स 1 है, वाई 3 है, एक्स 2 है, वाई 6। तो ये बिंदु आए, ये जो रेखा बनाएंगे उस रेखा पे ये बिंदु आएंगे। तो फिर इसको भी बनाओ ऐसे ही, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो 0 0, देखो 0 0 तो यहाँ होती है, ठीक है, 1 3, तो एक्स की धन साइड इधर है और एक्स की ऋण साइड इधर है, वाई की धन साइड और वाई की ऋण साइड, एक्स पे 1, वाई पे 3, तो एक्स पे 1 ये और वाई पे 3, 1 2 3, तो इसके सामने और इसके सामने ये वाला जो बिंदु है ये है 1 और 3 का। अब 2 और 6, एक्स पे 2 और वाई पे 3 हो गया, 4 5 6, तो इसके सामने और इसके सामने, ठीक है ना। तो यहाँ आया 2 और ये 6 यहाँ आया, तो ये है हमारा 2 और 6। अब तीनों को मिलाते हुए, तीनों बिंदु एक ही लाइन में होंगे, मिलाते हुए ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है। तो ये ऐसे हम रेखा खींचेंगे, तो ये इस समीकरण की रेखा है, क्लियर है। अब जैसे मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं, ऐसे तुम 2 क्वेश्चन करोगे। इसका होमवर्क में आपको करने क्वेश्चन नंबर 2 और 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ये होमवर्क में आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, एक बिंदु दे रखा है और ये कह रहा है 2 और 14 से होकर जाने वाले 2 रेखाओं के समीकरण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 और 14 से होकर जाने वाले रेखा के 2 समीकरण बताओ, मतलब 2 रेखाओं के समीकरण बताओ। एक बिंदु से तो बहुत सारी रेखाएं निकल जाएंगी, जैसे ये बिंदु है ये वाला, तो भाई इधर भी जा सकती है, 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 तो इसकी तो बहुत सारी रेखाएं बन जाएंगी एक बिंदु से, ठीक है। पर हमें तो 2 समीकरण पूछे हैं, तो 2 बताते हैं हम। तो यहाँ देखो, माना एक्स बराबर क्या है हमारे पास, 2, और वाई बराबर 14। तो माना ऐसे लिखेंगे, माना एक्स बराबर तो 2 है और वाई बराबर 14, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ के कितना आता है, 16 आता है। तो एक समीकरण हमने ये बना दिया, समझ में आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर 16, क्योंकि हमने ये एक्स बराबर 2 माना है और वाई बराबर 14 माना है, ठीक है। तो ये आया, ये पहला समीकरण आया। अब मान लो आपको और समीकरण बनाने हैं, तो इससे और भी बना सकते हो आप, इसका डबल कर
कर दो भाई, ये बिंदु तो कहीं भी हो जाएंगे। तो आपको तो टोटल सही आना चाहिए। जैसे मान लो एक्स और वाई का मान 14 आया है, अब एक्स की जगह आप है ना 4 लिख लो और वाई की जगह 14 लिख लो तो भी हो जाएगा, क्योंकि इस बिंदु से तो इधर भी लाइन जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, सब जगह जा सकती है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, एक समीकरण तो ये है। अब दूसरा समीकरण आपको बनाना है। ये जो एक्चुअल में लाइन जो होती है, ये वाला बिंदु है ना, तो इसका जो सही सही तरीका तो ये होता है, ये एक्स बराबर 14 है तो एक्स प्लस वाई बराबर 14, इसका डबल कर लो तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो ये 2x और 2y और 16 दूनी 32, ये ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, आधा कर लो तो भी बन जाएगा। मान लो इसका आधा आधा किया तो ये आएगा x अपॉन 2 और प्लस y अपॉन 2 और ये 16/2, ऐसे भी कर सकते हो। इसको करना चाहो तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लोगे तो वापस यही लौट के आ जाएगा। तो अभी आप ये समीकरण देख लो, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इसका तीसरा समीकरण देखिए। तीसरा क्वेश्चन है इसका, बिंदु 3-4 बिंदु दे रखे हमें 3-4 और 3-4 है ना, समीकरण इतने के आलेख पर स्थित हैं, इस पर स्थित हैं, 3y बराबर ax प्लस 7। ये वाले बिंदु इस पर स्थित हैं, बिंदु 3-4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित हैं। तो a का मान ज्ञात करो, ये है क्वेश्चन। ठीक है, a का मान पूछा है और बिंदु ये है ना, ये इस रेखा पर स्थित हैं, तो इस पर स्थित हैं, तो इसमें x बराबर 3 y बराबर 4 इसमें लगा दो। तो यहाँ देखो समीकरण ये एक है मान लो, तो समीकरण एक में x की जगह 3 y की जगह 4, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर ऐसे करेंगे। तो यहाँ देखो 3 y की जगह क्या है 4 और a और x की जगह क्या है 3 और प्लस 7। हमें मान क्या निकालना है, a का मान निकालना है, तो ये आया 12 और ये हो गया 3a और प्लस 7। अब 7 को इधर पक्षांतर करके लाएंगे हम, तो 12 और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3a। ठीक है, अब 12 में से 7 गए तो 5 बचे, 5 बराबर 3a और 3 का भाग इधर लगा दो तो a बराबर आएगा 5/3। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, सिंपल क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है ये बिंदु है ना इस समीकरण पर स्थित है, ठीक है, इस रेखा पर स्थित है। तो जब इस पर स्थित होंगे ये समीकरण, तो ये समीकरण के निर्देशांक इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो संतुष्ट करेंगे तो हम x बराबर 3 y बराबर 4 इसमें लगा देंगे। इसमें x बराबर 3 y बराबर 4 रखेंगे तो a का मान हमें निकालना है। क्लियर, अब इसका चौथा क्वेश्चन देखो। ये जो चौथा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो 10th क्लास में आ चुका है, एक नंबर में, क्वेश्चन नंबर 9। जो 10th क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 जो आया था वो यही क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है एक टैक्सी है, टैक्सी यानी तुम थ्री व्हीलर मान लो, टैक्सी मान लो, कुछ भी मान लो। वो ये कह रहा है टैक्सी है ना, एक नगर में किराए पर टैक्सी चलती है, पहले किलोमीटर का किराया उसका 8 रुपये है। पहले किलोमीटर का किराया, वो 8 रुपये लेती है। जैसे कोई भी उस टैक्सी में बैठ के 1 किलोमीटर जाएगा 8 लेगी, और उससे ज़्यादा जाएगा तो आगे 5-5 किलोमीटर के हिसाब, 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लेगी। ठीक है,
उसको कितनी दूर जाना है, उसको जाना है एक्स किलोमीटर दूर जाना है, ये कह रहा है। इसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी एक्स किलोमीटर है तो और किराया बाई है तो बाई का मान बताओ। समीकरण देखो, कुल किराया आप ऐसे देख लो, ये है एक्स किलोमीटर की दूरी है ये, यहाँ से यहाँ तक, और आदमी को ए से लेके बी तक पहुँचना है, ठीक है। तो भाई पहले किलोमीटर का तो उसने 8 रुपये ले लिए, एक किलोमीटर, ये एक किलोमीटर में वो 8 रुपये देगा, ठीक है। फिर आगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितने लेगा, 5 रुपये। और ये पूरा एक्स है तो एक यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचेगी एक्स माइनस एक, तो इस दूरी का किराया क्या देगा, वो 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो कुल किराया क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम कुल किराया, कुल किराया जो है ना वो बाई माना है, बाई बराबर देखो पहले किलोमीटर के 8 रुपये, तो 8 रुपये तो ये हो गए प्लस, अब दूरी कितनी बची एक्स माइनस एक, एक्स माइनस एक का गुणा 5 में कर दो, तो 5 और एक्स माइनस एक, ऐसे समझ लो ये किराया है। तो इसका समीकरण बनेगा बाई बराबर 8 प्लस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5x, और 5 का गुणा एक में तो माइनस 5, ठीक है। अब सब इधर ले आओ, तो देखो ये 5x है और ये y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसका और इसका 8 में से 5 गए तो 3 बचे, तो ये समीकरण आएगा। देख लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपका भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो ये कह रहा है एक टैक्सी है नगर में, वो किराया लेती है पहले किलोमीटर, जैसे टैक्सी में बैठा आदमी तो 1 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये, उसके बाद में जितने किलोमीटर जाएगा प्रत्येक किलोमीटर के 5-5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लेगा, 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। अब कुल दूरी है हमारे पास एक्स, अब पहले 1 किलोमीटर में 8 रुपये लेता है तो 1 किलोमीटर निकल गया, तो अब दूरी कितनी बची, एक्स में से एक घटा दो तो एक्स माइनस वन, ठीक है। तो कुल किराया क्या होगा, पहले किलोमीटर के 8 प्लस बाकी की जो दूरी बची है उसमें 5 का गुणा करो, क्योंकि वो कह रहा है 1 किलोमीटर के 5 रुपये हैं, तो एक्स माइनस वन में 5 से गुणा कर दिया। अब ये 8, 5 का गुणा एक्स में करेंगे 5x, 5 का गुणा माइनस एक में माइनस 5। अब ये देखिए वाई, ये वाई को हम इधर ले गए तो यहाँ पे 5x है और वाई को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 8 में से 5 गए तो 3 बचे बराबर 0, ये इधर साइड जो बराबर है वो उधर साइड पहुँच गया है। या आप इसको ऐसे करके वापस ऐसे भी लिख सकते हो, ये बराबर एक्चुअल इधर आया, ठीक है, क्योंकि बाई को हम इधर ले गए, ये बराबर आया। अब ऐसे करके लिखो या आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, जैसे भी करके लिखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, 1 बार नहीं 2 बार आया है कम से कम, तो इसलिए आप अच्छी तरह से देख लो। वो कह रहा है टैक्सी का किराया बताओ, किराया जो किराए को बता रहे हैं वो बाई में बता रहे हैं, ठीक है, कुल किराया बाई है। तो कुल किराया क्या होगा, पहले किलोमीटर का 8 रुपये, बाकी के किलोमीटर कितने बचे, एक्स में से 1 किलोमीटर घटा दो तो एक्स माइनस वन, ठीक है, तो एक्स माइनस वन में तो 5 से गुणा होगा, और पहले किलोमीटर का ये 8 रुपये है, तो 8 + 5 × x - 1, तो ऐसे गुणा भाग करके ये आया है। धन्यवाद।